हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम सब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की जो वैकेंसी है वो है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, और यहाँ से करीब 40 पोस्ट पर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी ओपन हो रही हैं, और जिसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, पूरी डिटेल आपको वीडियो में एंड तक मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और इसी तरीके की लेटेस्ट टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशन और अदर एडमिशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये, और यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में दो वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट टीचर, दूसरी जो है वो है गायनोकोलॉजिस्ट की, यहाँ पर वैकेंसी ओपन है। तो फिलहाल हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर की। यहाँ पर नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो वैकेंसीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 40 वैकेंसीज हैं। लेवल 6 7 पे कमीशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये यहाँ पर पे मैट्रिक्स है। यूआर कैटेगरी में 14 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी में 8, एसटी में 4, ओबीसी में 8 एंड ईडब्ल्यूएस में 6। टोटल यहाँ पर 40 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर जो पीएच कैटेगरी के लिए बताया इन्होंने, दो वैकेंसी आई थिंक यहाँ पर इन्होंने पीएच कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जिसको बीएलएड कहा जाता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जिसको कह मैं यहाँ पर इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे कॉमन जो क्वालिफिकेशन जो कि मोस्टली सभी लोगों के पास रहती है वो है 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको कि हम बीएड कहते हैं, यहाँ पर ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही जो सेकंड इनका जो क्राइटेरिया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो तो होना ही चाहिए, वो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पर मस्ट हैव पास्ड हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर आपका हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो है वो आपका पास होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, आप उसमें फेल नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ पे 5% का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स का जो है आपको जो है रिजर्वेशन कह सकते हैं, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी और पीएच कैटेगरी को। बाकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर नीचे हैं। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 500 रुपये है, और शायद बाकी किसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन इन्होंने नहीं किया हुआ है। एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है 21 से 30 साल, एंड एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबी एंड एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विल बी एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स ओनली। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जो भी एज पर जो भी इनका गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन होगा एज में, वो यहाँ पर इन सब कैटेगरीज को प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म कल से यानी कि 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 17 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आपको यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, और यहाँ पर एडमिट कार्ड्स वगैरह की जो डिटेल है वो आपको सब उसी वेबसाइट पर मिलेगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं www.delhi.cant.gov.in पर भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी। ओके, और यहाँ पे लिखा है मोर देन वन एप्लीकेशन रिसीव फॉर दी पोस्ट विल बी समरीली रिजेक्टेड। तो एक से ज़्यादा बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने अभी नहीं दी है कि इसमें एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सिलेबस क्या होगा, ये सब चीज़ें अभी इसमें नहीं बताई हुई हैं। हो सकता है ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद या कुछ दिनों बाद इस चीज़ को अपडेट किया जाए साइट पर, तो इसके लिए आपको रेगुलर चेक करते रहना होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है।
अप्लाई करने के लिए आपको यहीं पे इसी पोर्टल पर विजिट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल आएगी, आपको फोटो वगैरह कितने के बी का बनाना है वो सब आपके सामने यहाँ पे मैंशन है। 50 KB देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 50 KB का मतलब है कि 50 KB से कम ही आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फोटो सिग्नेचर बनाने के लिए दोस्तों आप हमारी ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है कि आप किसी भी साइज़ में आप फोटो को यानी कि किसी भी KB में आप फोटो को कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर से चेक कर लें, ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा, चेक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना होगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक पेज का ये फॉर्म है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या नहीं, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, ये कुछ चीज़ें आपको येस नो करनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपना सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर ऐड मोर का देखिए ऑप्शन है, जब आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है सबको ऐड कर करके आप यहाँ पे ब्राउज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाएंगे। और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कई सारे वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड मोर कर करके उनको और ऐड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 50 KB से कम का होना चाहिए। लास्ट में आप यहाँ पे इस पर चेक करेंगे, इस पर चेक करेंगे। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ये कोड टाइप करना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप आराम से अप्लाई कीजिए। 40 वैकेंसीज हैं आई थिंक अभी तक, जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड से वैकेंसीज आई हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अभी तक दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से आई हुई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो इस जॉब के लिए अगर ढूंढ रहे हैं इस तरीके की जॉब, तो उनके साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों इसी तरीके की टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।